हाय गाइस, वेलकम टू इजीफाई प्रेजेंट्स क्रिप्टो न्यूज। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोज कॉइन के प्राइस के बारे में। जैसे कि डोज कॉइन का बहुत ही ज्यादा एंटीसिपेटेड मोमेंट था 8 मई के अराउंड, जब इलॉन मस्क ने SNL में जाना था। SNL यानी कि सैटरडे नाइट लाइव। ये एक इवेंट होता है, काइंड ऑफ अ बेसिकली कॉमिक टॉक शो जहां पर सेलिब्रिटीज आते हैं। तो इलॉन मस्क वहां गए एंड ही अनाउंस कि वो वहां पर जाकर के डोज की बात करने वाले। तो एवरीबडी वॉज वेरी एक्साइटेड एंड हमने इसके कारण से बहुत ज्यादा बड़े पॉजिटिव साइड के मूव्स देखे डोज के। बट जैसा कि क्रिप्टो में कहा जाता है कि ऑलवेज बाय द हाइप सेल द न्यूज, तो ये क्या हुआ कि जैसे जैसे हाइप बन रही थी वैसे वैसे तो प्राइस बढ़ रहा था, बट जैसे ही जिस दिन ये हुआ SNL, उस दिन प्राइस गिर गया। प्राइस का जो है हमने 40% तक का जो था ड्रॉडाउन देखा डोज के प्राइस में, यानी कि जो डोज का प्राइस था वो 40% तक गिर गया SNL के दिन। वहां पर इलॉन मस्क ने जो टॉक शो के होस्ट थे उनके साथ बहुत सारी बातें की और उन्हें बताया कि डोज कॉइन क्या है। उन्होंने बहुत तरीके से बताने की कोशिश करी कि ये डोज की सप्लाई है या ये क्रिप्टो करेंसी है, बट फाइनली उन्होंने एक्सेप्ट किया कि डोज कॉइन इज अ हसल अगेंस्ट द फाइनेंशियल सिस्टम। तो हसल का मतलब क्या है कि ये जो डोज कॉइन है वो एक तरह की लड़ाई है या फिर एक तरह का जो करंट फाइनेंशियल सिस्टम में प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने का तरीका है। पर ये डोज कॉइन के फेवर में नहीं गया और डोज कॉइन कहीं ना कहीं जो है करेक्ट वो बहुत ज्यादा तरह से हुआ। इसका एक और रीजन जो एंटिसिपेट किया जा सकता है वो ये है कि बैरी सिल्वर, जो कि क्रिप्टो स्पेस में बहुत ज्यादा रिप्यूटेड है, उन्होंने अभी बहुत ही बड़ी पोजीशन ली है अगेंस्ट रेड डॉग। उन्होंने FTX पर डॉज को शॉर्ट किया है एट दिस प्राइस लेवल, बिकॉज बहुत सारे वेटरन्स जो क्रिप्टो स्पेस में काफी टाइम से है वो ये मानते हैं कि डोज इस टाइम पे ओवर प्राइस है एंड फ्यूचर में करेक्ट हो सकता है। तो बैरी सिल्वर ने जो एक बहुत ही बड़ी शॉर्ट पोजीशन ली है। ऐसे जो मूवमेंट होते हैं क्रिप्टो स्पेस में, किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में फॉर दैट मैटर, वो बहुत ज्यादा सिम्बॉलिक होते हैं। और इन सिम्बॉलिक इवेंट्स के कारण हम लोग देख सकते हैं कि जो डोज का प्राइस है वो करेक्ट होना शुरू हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आगे जाकर बढ़ेगा नहीं। वहीं पर अगेन इसके अगेंस्ट एक और पॉजिटिव न्यूज आई। कैनेडा बेस्ड एक कंपनी ज्योमेट्रिक एनर्जी कॉर्पोरेशन के साथ टाई अप किया है और जो उनका नेक्स्ट स्पेसशिप है उसके साथ वो लोग एक 40 kg का पेलोड भेज रहे हैं। ये 40 kg का पेलोड वो कह रहे हैं कि वो सारा का सारा जो फंडेड है वो बाय डोज है। उन्होंने एग्जैक्टली तो नहीं बताया कि इसे किस तरह से डोज ने फंड किया है, पर वो ये कह रहे हैं कि ये फुली फंडेड बाय डोज है। इनफैक्ट इलॉन मस्क ने इस स्पेसशिप का नाम डोज वन अनाउंस करने तक भी सोच लिया है। और ये बहुत बड़ी चीज होगी बिकॉज एक तो ये पहला मीम कॉइन है जो स्पेस में जाएगा, एक ऐसी पहली क्रिप्टो करेंसी है जिसके रिलेटेड कुछ भी जो स्पेस ट्रेवल के लिए जाएगा, और जो एक हमारी फ्रेज है क्रिप्टो स्पेस में टू द मून, वो भी हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज लाइक लिटरली टू द मून और ये वाया स्पेस एक्स पॉसिबल हो पा रहा है। पर सोचने की बात ये है कि अगर ये पेलोड 40 kg का जो कैनेडियन कंपनी है उन्होंने पूरा का पूरा डोज से स्पॉन्सर किया है, तो इसकी कुल कॉस्ट तकरीबन $225 मिलियन आई होगी। यानी कि ये कुल मिलाकर के 0.3% के आसपास डोज की टोटल सप्लाई लगी होगी इसको फंड करने के लिए। तो अगर सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए 0.3% ऑफ डोज की टोटल सप्लाई स्पेंड हो सकती है, तो इसका मतलब कि जो हमारे और रूमर्स थे जिसके अराउंड ये कहा जाता है कि डोज की सप्लाई बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि बहुत कम एड्रेसेस डोज की बहुत सप्लाई होल्ड करते हैं, वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट बन जाती। फॉर टाइम बीइंग मार्केट करेक्ट हो रही है और इस न्यूज के कारण भी मार्केट दो थोड़ा सा डोज आज सुबह ऊपर गया, बट एक सिग्निफिकेंट गेन्स जो है डोज में अभी नहीं दिख रहे हैं। लेट्स सी व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर डोज एंड आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको डोज के प्राइस मूवमेंट के बारे में क्या लगता है। इसके साथ साथ अगर आप क्रिप्टो के बारे में और जानना चाहते हैं और इनडेप्थ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, तो हमने दो कोर्सेज बनाए हुए हैं, क्रिप्टो नाइट और क्रिप्टो नेक्स्ट, जो कि आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। और अगर आप आज कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदने का सोच रहे हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि वो सबसे सस्ती आपको किस प्लेटफॉर्म पर पड़ेगी, तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है hodlinfo.com। तो आप hodlinfo पे जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपको जो है प्राइजेस सबसे कम कहां पर पड़ेंगे, राइट। तो वहां पर सारी की सारी एक्सचेंजेस के आपको प्राइस एक साथ देखने को मिल जाएंगे, ताकि आप इजीली कंपेयर कर सकें कि कहां पर जो है आपको सबसे कम रेट मिलने वाला है अगर आप आज के दिन जो है क्रिप्टो कोई भी क्रिप्टो करेंसी है वो खरीदने वाले। अगर आपको आज की क्रिप्टो न्यूज पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन
ताकि हम जैसे ही आपके पास कोई नया कंटेंट पीस लेकर आए तो आपके पास वो सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।